तारापुर थाना क्षेत्र के कस्बा गांव निवासी प्रताप कुमार सिंह ने तारापुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपने 16 वर्षीय पुत्र बादल कुमार के लापता होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने को दिए आवेदन में पीड़ित पिता प्रताप ने कहा है कि 27 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे आवश्यक कार्य से रणगांव जाने की बात कहकर ब्लू ट्रैक सूट और हरे रंग का स्पोर्ट्स जूता पहनकर निकला था। देर संध्या तक वापस घर नहीं आने पर खोजबीन करना शुरू कर दिया। अपने नाते रिश्तेदार करीबी और जानने वालों से संपर्क किया, लेकिन आज तक बादल का कुछ पता नहीं चल पाया। बादल 5.5 फीट का पतला दुबला गोरा लड़का है। हमारे लापता पुत्र को अपने स्तर से खोजबीन करने की थाने के पुत्र के लापता होने को लेकर आवेदन देने आए पीड़ित प्रताप ने बताया कि वो अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ पटना में रहते हैं। 1 फरवरी से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा दिलाने के लिए सब परिवार साथ अपने गांव कस्बा 1 माह पूर्व आए थे। मुंगेर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मेरा 15-16 साल का लड़का है, 27 जनवरी से घर से लापता हो गया है। घर से ये बोल के निकला कि मैं रंगदाव जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा, और देर तक नहीं वापस आया। क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। पति का? प्रताप कुमार सिंह। कहाँ से हैं? कस्बा मणिपुर। 27 जनवरी से लापता हो गया, घर से बोल के निकला कि रणगांव घूमने जा रहा हूँ, देर रात घर नहीं आया। उसके बाद छानबीन की कोशिश की, फिर भी अभी तक पता नहीं चला। बादल कहाँ पड़ता था? जी, घर पे रह के पढ़ता था 1 महीना से। मौके नवागढ़ कॉलेज से उसका थी था एंट्री थी, इंटर का परीक्षा होने वाला था, इस दरमियान वो घर आया था। कहाँ रहता था बादल? जी, पटना में रहता था। आप लोग सब पटना में ही रहते हैं? जी जी। तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा? वही इंटर के अभी परीक्षा देने के ख्याल से आए थे। इंटर परीक्षा देने के लिए आए हुए थे? जी जी। अपने स्तर से सारे सगे संबंधी उनके दोस्तों से पूछताछ किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी आप क्या करने आए हैं थाना? अभी तो रिपोर्ट लिखवाने आए हैं थाना में। क्या नाम है आपका? प्रताप कुमार सिंह, घर कस्बा।